हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। यहाँ पे सी लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है, कैसे हम सिंगल सी लैंग्वेज को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी सी टर्बो सॉफ्टवेयर में, कैसे हम प्रोग्राम को बनाएंगे। देखो, सी लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। बस एक कंडीशन है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को समझो। बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी प्रोग्राम का अगर समझ में आ गया तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा आगे। आपको बेसिक स्ट्रक्चर देखना हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लेना। देखो, हम यहाँ बात कर रहे हैं कैसे हम प्रोग्राम को बनाते हैं और दो नंबर होंगे हमारे पास, उसको कैसे जोड़ते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंक्लूड डॉट स्टडी, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ पर लेस देन लगा करके स्टडियो और डॉट एस लगा दिया यानी हीडर, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर किया। यहाँ लिखते हैं हम क्या, मेन। लिखने के बाद हम यहाँ पे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे मिडिल कोस्ट यानी मिडिल ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, और मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत हम लिखेंगे इंटीजर, और स्पेस करके हमें दो इंटीजर लेना है यानी तीन इंटीजर ले लेंगे। हमने एक दे दिया ए और दूसरा दे दिया बी, और यहाँ पे कम लिखते हैं सम। सम मतलब क्या होगा, हम इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे एक साथ। अब यहाँ लिखेंगे हम प्रिंट ऑफ, हमने लिखा प्रिंट ऑफ। लिखने के बाद ब्रैकेट लिखो, और यहाँ पे जो हम वैल्यू दिखाना चाहते हैं उसको हम डबल कोटेड में लिखते हैं। डबल कोटेड में लिखेंगे इंटर योर टू नंबर, ठीक है ना, यानी आप दो नंबर इंटर करिए, इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये प्रॉब्लम, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने लिख दिया, आप डबल कोटेड क्लोज कर दो और ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कॉलन लगा दो। सेमी कॉलन बताता है कि स्टेटमेंट एक पूरा हो चुका। अब यहाँ लिखो कि स्कैनफ। स्कैनफ से क्या होता है, स्कैनफ से इनपुट ऐड किया जाता है। यहाँ पर आप डबल कोटेड और हमें दो वैल्यू, हमारे पास दो नंबर का प्रोग्राम बन रहा है तो हम दो इंटीजर यहाँ लगाएंगे हम। तो यहाँ पर ऐसे यूज़ करने के बाद लिख दो यहाँ पर डी, और एक और इंटीजर ले लो, डबल डी हो गया। इसके बाद इसको क्लोज करो। यहाँ पर एक लगाओगे एम्परसेंट, जैसे मैंने बताया था, आप एम्परसेंट लगा लोगे यहाँ पर, और यहाँ लिखोगे ए, यानी ए की वैल्यू लेनी है, कॉमन लगा दो। एम्परसेंट बोलते हैं उसको ना, है एंड को बोलेंगे एम्परसेंट, और बी को लगाया और इसको क्लोज कर दो, यहाँ सेमी कॉलन क्लोज। अब यहाँ लिखोगे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी सम में क्या आ जाएगा, ए और बी का दोनों का मान, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखोगे प्रिंट ऑफ, लिख दिया प्रिंट ऑफ, ब्रैकेट लिया, डबल कोटेड लो, और लिख दो यहाँ पर योर रिजल्ट, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो योर रिजल्ट या सम ऑफ टू नंबर, यानी दो संख्याओं का योग, ठीक है, ऐसा लिख दिया। यहाँ ऊपर जो है ना, ये लिखता है कि इंटरव्यू नंबर, मतलब कि आप क्वेश्चन पूछा है तो वहाँ पे नंबर ऐड करोगे, यहाँ पे रिजल्ट आएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर लिखा है, और इसको डबल कोटेड में लिख रहे हैं, यहाँ पे हम परसेंटेज लगाएंगे, डी लगा देंगे, सो यहाँ पर इज इक्वल टू लगा दो, आपके लिए सही रहेगा समझने के लिए। डबल परसेंटेज लगाएंगे इंटीजर वाली वैल्यू, और कोट एंड कोट कॉमा, अब यहाँ पर लिखेंगे हम सम, ठीक है, तीसरी वैल्यू, और सेमी कॉलन लगा करके यहाँ लगा देंगे गेट सी एच। आपको पता है गेट सी एच क्या करता है, गेट अ कैरेक्टर लेता है। इसके बाद एक और चीज़ हम यूज़ कर लेंगे, इसे कहते हैं हम लोग सी एल आर एस सी आर, ठीक है, लिखेंगे सी एल आर एस सी आर यानी क्लियर स्क्रीन, ठीक है। ये प्रोग्राम बन जाएगा, अब इसको आपको रन कराना है, तो रन कराने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करोगे। देखो एक एरर दिख रहा है, कभी भी जब आप काम करना ना एरर आपको दिख जाए तो बहुत ही अच्छे समझना, आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा इलीगल यूज़ फॉर पॉइंटर, यानी जो गलत डायरेक्शन दिया है, यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है, वो बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे जो कोट डबल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है यहाँ पे कॉमा लगा करके इसको सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। आपको यहाँ पे इसका एरर भी दिख जाएगा, अब इसको प्रिंट करो। अब देखो यहाँ दिख रहा है इंटरव्यू टू नंबर, जैसे ही आप दो नंबर दोगे, जैसे हमने दे दिया 5 इंटर कोई नंबर 8, तो क्या होगा, 5 8 कितना होता है 13। अब देखो हो गया, अब हम बात करेंगे इसको जोड़ना, जोड़ तो लिया हमने सब, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करनी है तो आप स्केल सिंबल चेंज करो, यानी उसके मल्टीप्लाई कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करो। अब यहाँ देख लेना, बहुत ही आसान होगा, अगर मैं 5 प्रेस करूँ, इंटर मैंने प्रेस किया, 5 × 5 कितना आ जाएगा 25। इस तरीके से आपने देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है। इसके बाद बात करेंगे डिवाइड की, बात हो रही है तो कंट्रोल F9 प्रेस करिए, और यहाँ पे आपने लिखा 5
मल्टीप्लाई 24, इंटर प्रेस करिए तो आंसर क्या जाएगा, ज़ीरो। और अगर एक और चीज़ देखना चाहते हो, माइनस की बात, यहाँ पे माइनस लगाओ, कंट्रोल F9 प्रेस करो रिजल्ट के लिए, और यहाँ पे लिख दो आप 25, इंटर 5, तो आंसर कितना आएगा, 20। तो इस तरीके से आपने ये जाना कि कैसे हम दो संख्या लेकर के उसको हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है काम करना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, यानी मेरा माध्यम रहेगा हिंदी पढ़ाने का, ठीक है ना। मैं हिंदी बताऊंगा कि आप कैसे लैंग्वेज को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो और सब्सक्राइब करो। अगर आपके पास कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, मैं कोशिश करूँगा सबके रिप्लाई को कवर करने का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।